तो ये है नुब्रा वैली और अभी बज रहे सुबह के करीबन 8 और आज हमारे पूरे ग्रुप को बाइक राइड करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, बट इस पूरे ग्रुप में 2 राइडर्स ऐसे हैं जिन्हें इस बाइक राइड की सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है। भाई बारिश ने पूरा खराब कर दिया ये। अभी हम वही सोच रहे थे कि कैसे राइडिंग जैकेट्स होगा, पूरा हमारा गीला हो गया है, कैसे पहने। और अभी जाना है हमको 200 किलोमीटर। टफ राइड मैन। व्हाट अबाउट यू मिस्टर गोखले? पॅकिंग मा एवढी पॅकिंग करायची कशी करणार सांगा? ऍडव्हेंचर एक्सपिरियन्स करायचं असेल तर असंच करायचं असतं। Welcome back to the channel, everyone. Hope you all are doing absolutely fantastic. I am your host Sachin Deshmukh and welcome back to my YouTube channel. तो इसी तरह हमारा ट्रेडिशनल रेगुलर इंट्रो हो चुका है, तो अभी शुरुआत करते हैं इस कहानी को। कोई भी कहानी में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, तो इसी तरह इस कहानी में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो ये सारी चीजों का बिल्डअप जानने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले एक दिन पीछे के इंसिडेंट्स देख लेते हैं। तो चलते हैं 7 अगस्त 2018 पे। 7 तारीख को हम सुबह उठे, हमने तुरतुक विलेज एक्सप्लोर किया, उस विलेज के बच्चों से मिले, उस विलेज के बुजुर्गों से मिले, उस विलेज का कल्चर जान लिया, कुछ दोस्त बनाए तुरतुक में, देन वहां से हमने थांग बॉर्डर को विजिट की। यहां तक हमारा दिन काफी अच्छा जा रहा था। हर एक चीज हम जो कर रहे थे ना, उस एक चीज में फील था, चाहे वो तुरतुक विलेज एक्सप्लोर करना हो या फिर थांग बॉर्डर विजिट करना हो। फिर आता है तुरतुक को अलविदा कहने का वक्त और हमारी जर्नी तुरतुक से नुब्रा की तरफ आगे बढ़ाने का वक्त। तो हमने हमारे सारे बैग्स वैग्स पैक कर दिए, हमारी सारी बाइक्स लोड कर दी और फिर हम निकल पड़े हमारी अगली जर्नी की तरफ, दैट इज फ्रॉम तुरतुक टू नुब्रा। तुरतुक से नुब्रा ज्यादा दूर नहीं है, तुरतुक से नुब्रा सिर्फ 85 किलोमीटर के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे ही है। पर जैसे ही हम तुरतुक से नुब्रा जाने के लिए निकले, क्लाइमेट अचानक से चेंज हो गया, बहुत ज्यादा क्लाइमेट चिल्ड हो गया और अचानक से एक ऐसी चीज हुई जिस चीज के लिए हम एंटायर हमारी ट्रिप में बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। It started raining here and suddenly temperature is so down, I can't even move my hands, I can't speed up my bike because thund baj rahi hai, aur agar slow chala raha hu to barish का पानी लग रहा है जो बहुत ज्यादा ठंडा है। इसी तरह अनएक्सपेक्टेड बारिश से हमारी पूरी तरह बैंड बच चुकी थी, हम लोग पूरी तरह भीग चुके थे। और लद्दाख जैसी टेरिटरी का प्रॉब्लम ये होता है ना कि आप रोड के साइड में कहीं बाइक रुका के आप कोई शेड के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी ना वहां तक स्ट्रेट रोड है और कहीं कोई शेड नहीं है। बट हम लकी थे, हमें एक शेड मिली, बट जैसे हम उस शेड में गए ना बारिश और ज्यादा तेज हो गई। अब आता है इस कहानी का सबसे पहला ट्विस्ट। उस दिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ठंड की वजह से हमारी सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई थी। फिर हमने उस दिन एक सबसे बड़ा डिसीजन लिया, हमने ये डिसाइड किया कि आगे की राइड हम बारिश में ही कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रॉब्लम यह हुआ कि हमारा जो भी लगेज हमारे बैकअप व्हीकल में लोडेड था वो पूरा भीग चुका था। हम लोग पूरी तरह भीग चुके थे, हमारे राइडिंग जैकेट्स, हमारे जींस, हमारे राइडिंग गियर्स, ग्लव्स, शूज सब में पानी जा चुका था, हमारे बैग्स में से ऐसे पानी लिटरली टपक रहा था, बट कोई ऑप्शन नहीं था। देन फाइनली ऐसे वैसे बट पता नहीं कैसे हम नुब्रा में हमारे कैंपिंग लोकेशन तक पहुंच चुके थे। तो ये था इस कहानी का बिल्डअप जो 7 तारीख को हुआ था, जिसमें हमारे राइडिंग गियर्स, राइडिंग जैकेट्स, हमारे बैग्स, सारे कपड़े सब भीग चुके थे। तो अभी आते हैं प्रेजेंट डे में, दैट इज 8 अगस्त। 8 अगस्त की मॉर्निंग बहुत ही ब्यूटीफुल थी। हमारे कैंपिंग लोकेशंस के बिल्कुल सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन का व्यू था। हम लोग उठे सुबह जल्दी, हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर अपने को काम ही किया, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आज का प्लान है, टुडे वी आर गोइंग टू ले बैक अगेन एंड टुडे वी आर गोइंग टू वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, दैट इज खारदुंगला पास। सो कल थोड़ी बारिश थी, उसके वजह से यू नो हमारे कुछ प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हुए, बट आज वेदर अच्छा लग रहा है। और बस यही वेदर का जो मैंने प्रेडिक्शन किया था ना, वो आगे जाके हमें इतना बड़ा धोखा देने वाला है आज, इसकी हमें आइडिया भी नहीं थी। सो अब आता है कहानी में ट्विस्ट नंबर 2।
उस दिन का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस दिन मुझे 200 किलोमीटर की बाइक राइड एक जर्सी पे और एक ट्रैक पैंट पे करनी थी, बिकॉज पहले दिन के बारिश की वजह से सारे क्लोथ्स भीग चुके थे। मेरे बैग के किसी कोने में जो कम गीले कपड़े थे उनमें से एक था वही जर्सी जो मैं आज के दिन पहनने वाला था और वही ट्रैक पैंट, तो ये दो ही क्लोथ्स मेरे पास बचे थे, बाकी कपड़े बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं थे। तो अर्ली मॉर्निंग एक जर्सी पे एक ट्रैक पैंट पे मैं 200 किलोमीटर की बाइक राइड के लिए निकल गया। देन हम लोग कैंपिंग लोकेशन से सबसे पहले नुब्रा वैली में जाने वाले थे जहां पे हमारा उस दिन कैमल राइड का प्लान था। सुबह क्लाइमेट थोड़ा ऐसा लग रहा था निकलते वक्त कि आज बारिश हो सकती है, तो आज कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि यहां की बारिश बहुत ज्यादा ठंड है और कल कपड़े सबके भीग चुके थे, बाइकिंग गियर्स भीग चुके थे, तो आज मैंने भी ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि पूरा ठंडा ठंडा लग रहा है। यू नो, जैसे ही हम हमारे कैंपिंग लोकेशन से ना नुब्रा वैली कैमल राइड के लिए पहुंचे ना, अगेन नुब्रा वैली इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल प्लेस बट अनफॉर्चुनेटली रेन। यहाँ पे हम लोग का कैमल राइड का प्लान था वो भी चौपट हो गया है, अभी बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। अरे बारिश है ना पूरे बाइक राइड के मूड की वाट लगा रही है। बट आधा घंटा रुकने के बाद बारिश रुकी और उस दिन हमने कैमल राइड भी की, तो कैमल राइड के फुटेज देख लेते उसके बाद स्टोरी को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने हमारी कैमल राइड कंप्लीट की, अभी समय आता है नुब्रा को अलविदा कहना और हमारी जर्नी आगे बढ़ाना टुवर्ड्स ले। तो हम उस दिन फुल्ली गियर्ड अप थे क्योंकि सुबह से ऐसा लग रहा था कि आज बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो इंस्टेड ऑफ जैकेट हम सब लोग विंडशीटर पहने हुए थे और हम विंडशीटर पहन के बाइक राइड करने वाले थे। बट 10 मिनट में कहानी चेंज, कहानी में एक नया ट्विस्ट। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ले बट इन मिडल डिस्ट्रिक्ट में एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री लगती है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है, तो हम लोग वो एक्सप्लोर करेंगे। देन हम लोग खारदुंगला एंड ले की तरफ जाएंगे। एंड अभी पूरी तरह से पोपट हो चुका है मेरा सबका, बिकॉज सुबह ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी और अभी कंप्लीट ओपन स्काई है, धूप है। बेसिकली यही खूबसूरती है लद्दाख की कि हर एक किलोमीटर बाद लद्दाख अपना व्यू डिफरेंट दिखाता है। एक्चुअल में यही खूबसूरती है लद्दाख की, हर एक घंटे बाद आप एक डिफरेंट क्लाइमेट डिफरेंट वेदर फील करोगे। सुबह से हम प्रिपेयर थे कि सुबह से बारिश होगी, तो हमने विंडशीटर्स पहने थे, बट हम सुबह से बारिश के पानी से नहीं भीग रहे थे, बट हाँ हम हमारे पसीने की वजह से भीग रहे थे क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा तेज धूप थी और हमें विंडशीटर की वजह से बहुत ज्यादा पसीना आया। तो हमने एक डिसीजन ले लिया, जो हमारे विंडशीटर्स है वो हमने उतार के फिर से हमारे बैकअप वैन में लोड कर दिए। और जैसे हमने ये किया कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। लद्दाख के क्लाइमेट का कोई भरोसा नहीं है। सुबह हम लोग होटल से निकले तो ऐसा लग रहा था कि आज बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो हम लोग ने विंडशीटर पैंट वाटरप्रूफ पैंट सब पहन लिया था। लेकिन जैसे नुब्रा के बाहर बढ़े बहुत ज़्यादा धूप थी, तो हम लोग ने सारे विंडशीटर पैंट्स और विंडशीटर हमने अगेन कार में रख दिया और अभी यहाँ आ रहे हैं, बारिश फिर से शुरू। और यहाँ की बारिश की खासियत मैं आपको बता दूँ बॉस, यहाँ की बारिश का जो पानी होता है ना वो इतना चिल्ड होता है, इतना चिल्ड होता है कि दो मिनट में हाथ फ्रीज कर देता है और मेरे हाथों की अभी फिर से वाट लग गई। यार क्यों कर रहे हो भगवान ऐसे खिलवाड़ हमारे साथ, क्यों कर रहे हो? इट्स सो चिल्ड नाउ। ओह इट्स स्टार्टेड पेनिंग। And again, उस दिन फिर से अनएक्सपेक्टेडली बारिश स्टार्ट हो चुकी थी जिसके लिए हम उस वक्त बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। देन हमने
एक म्यूचुअली डिसीजन ले लिया कि इस जर्नी को आगे बढ़ा दे, क्योंकि वहां से खारदुंग विलेज सिर्फ 8 किलोमीटर के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे ही था, और हमने शायद ये सोचा था कि इस 8 किलोमीटर में शायद बारिश रुक सकती है या फिर कम भी हो सकती है। देन हमने उस बारिश में राइड कंटिन्यू की, देन कुछ समय बाद बारिश थोड़ी तेज हुई, उसके बाद और तेज हो गई, और उसके बाद बहुत ज्यादा तेज हो गई। 8 किलोमीटर की जर्नी जिंदगी की सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जर्नी लग रही थी, बिकॉज फर्स्ट 2-3 किलोमीटर तक हमारे हाथों में सेंसेस थे, बट आफ्टर 2-3 किलोमीटर हाथों का सेंस जा चुका था। ठंड की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी बाइक राइड करने में, और लद्दाख जैसे टेरिटरी में जो बारिश का पानी है वो आपको भिगोता नहीं है, आपको करंट देता है। एंड फाइनली जैसे हम खारदुंग विलेज पहुंचे, हमारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। गरम पानी ऐसे ऐसा ना मेरा अपना हाथ एक हाथ से एक दूसरा ऐसा जितना धोता है ना इसे मेरा हाथ नहीं हिल रहा था, उंगली नहीं हिल रहा था इतना ठंडा पानी में। तो उस दिन हम सबके लिए, उस दिन का अगर कोई सुपर हीरो था तो ये लद्दाखियन लेडी थी जो खारदुंग विलेज में रहती है एंड खुद का रेस्टोर चलाती है। उनके रेस्टोरेंट का नाम है हैप्पी रेस्टोरेंट। उस वक्त उस दिन अगर हम इनसे नहीं मिलते तो हम में से किसी एक को तो हॉस्पिटलाइज जरूर करना पड़ता था, क्योंकि हम सबकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। बट इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हमारी हेल्प की, एंड रिटर्न में हमने इन्हें कुछ निकलते वक्त पैसे ऑफर किए थे जो इन्होंने लेने से इनकार कर दिए। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, दिल की नेक ऐसी ये लेडी थी, एंड जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हमारी हेल्प की, एंड उनके वजह से एक्चुअल में वो दिन हम सरवाइव कर पाए, एंड शायद हम उस दिन इस लेडी की वजह से ही जिंदा बचे। वेल, आप अगर ये सोच रहे हो कि ये कहानी का एंड हो चुका है, तो ये कहानी का एंड नहीं है। कहानी का एक फाइनल ट्विस्ट अभी भी बाकी है। खारदुंगला विलेज से खारदुंगला टॉप जाने के बीच में एक पॉइंट में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जेब में मेरा मोबाइल नहीं है। देन वो ढूंढने के लिए मैं अगेन टुवर्ड्स खारदुंगला विलेज के रोड पे गया। देन 8 किलोमीटर बाद वो मुझे मोबाइल मिला जो काफी खराब हालत में था। वो मोबाइल गिर चुका था, उसके ऊपर से एक आर्मी का ट्रक जा चुका था, वो मोबाइल का डिस्प्ले टूट चुका था, मोबाइल की पूरी तरह वाट लग चुकी थी, एंड काफी 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 बुरा लग रहा था मुझे। तो उस दिन के सारे नेगेटिव मोमेंट्स हो चुके थे, मतलब हमारे बारिश में कपड़े भीग चुके थे, ऑलमोस्ट ठंड के वजह से हमने मौत का एक्सपीरियंस ले लिया था, एंड मोबाइल गिर चुका था जो पूरी तरह डेड हो चुका था। ये सारे नेगेटिव मोमेंट्स थे, बट बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि अंध भला तो सब भला। देन उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंट आया, हमने खारदुंगला पॉइंट विजिट किया। सारे बाइकर्स का सपना होता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड विजिट करना। देन हम खारदुंगला पॉइंट गए, एंड ये काफी यूनिक एक्सपीरियंस था हमारे लिए, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अब समय आता है ये कहानी यहीं पे समाप्त करने का और सबसे अलविदा लेने का। मोबाइल टूटने के कारण ज्यादा फुटेजेस थे नहीं, तो मैंने स्टोरी टेलिंग प्लस ब्लॉगिंग का एक कॉम्बिनेशन किया है ये ब्लॉग में। आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा होगा। सो बाय फ्रेंड्स, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप मीटिंग न्यू पीपल, सी यू सून इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, एंड कीप वॉचिंग माय चैनल ऑर्बिट सचिन। बाय।